Hello students, we will study about the chapter of English text. Chapter number 9. I have a sister. My sister is Deep. Means Mary, Mary Behen Beheri hai. So let's start the new poem. Now let's read a poem to know the challenges faced by the poet's sister. Uh, पढ़ते हैं चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं पोएम को और जानते हैं कि कैसे जो कवि की बहन है वो चुनौतियों को फेस करती है आई हैव अ सिस्टर माई सिस्टर इज डीप शी इज स्पेशल देयर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक माइन माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो शी लाइक्स टू फील द डीप राम्बलिंग कॉर्ड्स बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग शी कैन नॉट हेयर द ट्यून यानी कि फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में बताया है कि मेरी एक बहन है और मेरी बहन बहरी है लेकिन वह बहुत ही विशेष है और ऐसी सिस्टर जैसे मेरी सिस्टर है ऐसी कोई भी किसी की भी सिस्टर नहीं है तो सेकंड में बताया है माए मेरी जो सिस्टर है वो पियानो बजाती है जो पियानो है वो प्ले करती है she likes to feel the deep rumbling chord और उसे बजा कर वो अंदर से महसूस करती है उन जो rumbling chords होती हैं जो उसके तारे होती हैं पियानों की उसको बजा कर उसे फील करती है अंदर से महसूस करती है लेकिन वह कभी भी गा नहीं सकती गाने में सक्षम नहीं है और ना ही वह कभी भी उस धुन को सुन सकती है माई सिस्टर कैन डांस विद अ पार्टनर और मार्च इन अ लाइन

और उसे पसंद है इस तरीके से रोल रोल होना घूमना उछलना मंकी बार्स करना ठीक है तो वो एक छलांग होती है वो लगाया जाता है उसमें झूला होता है और उसे इस तरीके से मुझे कूदते हुए देखना पसंद है तो वो पहले मुझे देखती है और फिर वो मेरे जैसा ही करती है लेकिन वो मुझे सुनती नहीं है जब मैं चिल्लाती हूँ तो वो मुझे सुनती नहीं है केवल देखती है ठीक है और लेकिन जब वो मुझे झूला झूलते हुए देखती है तो वह हंसती है और फिर वापस से मुझे कैच और मेरे पीछे आके मेरी टांगों को पकड़ती है आई हैव sister हु लाइक्स टू गो विद मी आउट टू द ग्रासी लॉट बिहाइंड हर हाउस Today वी आर stalking डियर मेरी एक बहन है जिसे मेरे साथ जाना बहुत पसंद है और जैसे कि बाहर घासों के मैदान में जाना बहुत पसंद है और वो मेरे उनके घर के पीछे काफ़ी ग्रासी मैदान है वहाँ वो बाहर जाते हैं और आज भी वो वहाँ जाने वाले हैं और जैसे कि जो हिरन है वो उछलते हैं उसी के समान वो उछलना उन्हें पसंद है तो वो वैसा करने वाले हैं आई टर्न टू स्पीक टू हर आई यूज नो वॉइस जस्ट माई फिंगर्स एंड माई लिप्स She understands and walk behind me, stepping where I step. I am the one who listen for small sounds. She is one who watches for quick movements in the grass. यानी कि जब वो पीछे जैसे कि turn करती है, speak to her उसे कुछ बोलती है, तो वो use नहीं करती है बिल्कुल भी आवाज़ को और मेरी fingers को मेरे lips को देखती है। तो वह समझ जाती है और मेरे पीछे पीछे फिर वो चलती है और जहाँ जहाँ जैसे कि मैं चलती हूँ कदम बढ़ाती हूँ ऐसे ऐसे मेरे पीछे पीछे कदम रखती है और मैं एक अकेली हूँ वो कहती है मैं एक अकेली हूँ जो सुनती हूँ फॉर अ स्मॉल साउंड छोटी छोटी बातों को और वो एक अकेली है कि वो देखती है और जो भी जल्दी जल्दी मूवमेंट्स होती है ग्रास में वो उसे देखती है वैन माई सिस्टर वॉज वेरी स्मॉल वैन आई वॉन्ट टू स्कूल एंड शी डिड नॉट my sister learned to say some words each day she sat on the floor with our mother playing with some toys we keep in an old shoe box it's a, a ball it's a ball our mother would say it's a dog it's uh, a book when i come home i also sat on the floor floor my sister put her hands into the box she smiled and said ball बाल इट्स साउंडेड टू मी इट्स अ बॉल आई रिपीट इट जस्ट लाइक आर मदर डेड माई सिस्टर ना डिड एंड स्माइल बॉल शी सेड वंस मोर अगेन इट्स साउंडेड लाइक अ बाल टू मी यानी कि जब मेरी सिस्टर जो है वो बहुत छोटी है और जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मेरी सिस्टर नहीं जाती है और मेरी सिस्टर जो है बहुत सारे वर्ड्स को सीखती है और हर दिन जब वो फ़र्श पर बैठी होती है मेरी मम्मी के साथ तो वो बहुत सारे टॉयज के साथ में खेलती है और एक पुराना शू बॉक्स है जो उसके पास में वो रखती है उसको और वो बोलती है इट्स अ बॉल माय मदर वुड से जब उनकी मम्मी ने ऐसा कहा इट्स अ बॉल ये बॉल है इट्स अ डॉग ये डॉग है इट्स अ बुक ये बुक है तो आई वैन जब मैं काम घर से आ, स्कूल से घर आती हूँ तो मैं भी वहाँ बैठ जाती हूँ फर्श पर और मेरी जो सिस्टर है वो अपना हाथ से वो बॉक्स उठाकर साइड में रख देती है वह मुस्कुराती है और बोलती है बाल बाल इट्स साउंडेड टू मी मुझे बॉल बाल सुनाई देता है और यह बॉल है वो फिर दोबारा से अपनी माँ को जब बताती है तो वो रिपीट करने के लिए कहती है लेकिन उसकी बहन दोबारा रिपीट नहीं करती और मुस्कुराती है बाल शी अब वो चाहते हैं कि वो दोबारा उसको बोले लेकिन वो नहीं बोलती है और लाइक अ बाल टू मी इस तरह की साउंड उसे सुनाई देती है एक लंबी सी आवाज नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल ऑल्थो आर मदर स्टिल हेल्प हर स्पीक एंड लिप रीड एट होम द टीचर एंड चिल्ड्रेन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी सेज लाइक सिस्टर और वॉटर और थम्प टूडे द चिल्ड्रेन इन हर रूम टोल्ड मी योर सिस्टर सेट ब्लू वेल आई हेड हर से डैट अ लॉन्ग टाइम अगो बट दे हैव नॉट लीव विद माई सिस्टर फॉर फाइव ईयर्स द वे आई हैव तो जब मेरी सिस्टर जो है उन्होंने उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया तो जो मदर है वो वहाँ पर उसकी बोलने में मदद करती थी लिप रीडिंग करने में घर में ही तो टीचर और जो चिल्ड्रन थे वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाते थे उसके किसी भी शब्द को वह कहती थी जैसे कि जो उसकी सिस्टर है जैसे सिस्टर वाटर यानी कि पानी और थम जो है इस तरीके से तो जो आज बच्चे उसके रूम में थे वो फिर बताते थे कि तुम्हारी सिस्टर ने ब्लू कहा तो ठीक है वो जो शब्द है वो सुनना चाहती थी लेकिन काफ़ी लंबा समय हो जाता था लेकिन वो नहीं सुन पाती थी तो ये जो शब्द है जब वो उसके साथ में ज़्यादा नहीं रह पाती थी विद माई सिस्टर फॉर फाइव ईयर्स जो उसकी सिस्टर है वो पाँच साल की थी I understand my sister. My sister understands what I say too, especially if I speak slowly uh, and move my hands a lot. But it is not only my lips and fingers that my sister watches. I wore my sunglasses yesterday. The frames were very large, the lenses are very black. My sister made me take them off when I spoke. What do my brown eyes say to her brown eyes? दैट आई वुड रियली रेदर प्ले बॉल्स दैन प्ले हाउस दैट आई जस्ट हेयरड आर मॉदर कॉल बट आई डू नॉट वॉन्ट टू गो इन इट अब मैं समझती हूँ मेरी सिस्टर को और uh, मेरी जो सिस्टर है जो मैं कहती हूँ वो भी समझती है स्पेशली uh, जब मैं कोई भी शब्द धीरे बोलती हूँ या अपने हाथों को धीरे मूव करती हूँ तो वो uh, जो है मेरे uh, नहीं समझ पाती कई लेकिन मेरे लिप्स और फिंगर्स को वो देखती है और फिर समझती है अब जैसे उसने जो मैंने सन ग्लासेस पहने हुए थे कल उसके जो फ्रेम है बहुत बड़े बड़े हैं और लेंसेज जो है वो ब्लैक है तो मेरी जो सिस्टर है वो उसे उतारने के लिए कह रही थी वेन आई स्पोक जब मैंने उसे बोला माय सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ तो उसने वो उतार दिए ठीक है तो ब्राउन आइज़ जो है वो कहती है हर ब्राउन आइज़ दैट आई रियली रेदर प्ले बॉल एंड दैट देन प्ले हाउस तो वो इस तरीके से खेलती रहती है और जब उसे मम्मी जब आवाज़ लगाती है पुकारती है तो वो नहीं सुन पाती है जस्ट हेयर आर मदर कॉल तो बट आई डू नॉट वॉन्ट टू गो इन येट तो वो नहीं जा पाती है yes i have a sister who can understand what i say but not always last night i asked where are my pajamas she went into the kitchen and brought out a bunch of bananas from the fruits bowl on the table my friends ask me about my sis little sister they ask uh, does it hurt to be a deaf no i say her ears, ears don't hurt but uh, her feelings do when people do not understand हाँ मेरी जो बहन है वो आ, समझती है जो मैं कहती हूँ बट कभी कभी नहीं समझती है हर बार जैसे लास्ट नाइट मैंने उसे कहा था कि मेरा पजामा कहाँ है और वो किचन से जाकर जो केले का गुच्छा है वो ले आती है जो फ्रूट बाउल में टेबल पर पड़ा था तो मेरी फ्रेंड्स कभी कभी पूछती हैं कि मेरी छोटी सिस्टर के बारे में वो पूछती हैं कि क्या उसको कभी कभी अपने इस जो वो भहरेपन से कभी हर्ट होता है उसने कहा नहीं Uh, कभी कभी जैसे मैं बोलती हूँ हर डोंट हर्ट उसको नहीं होता है लेकिन जो कुछ फीलिंग्स है जब लोग उसको समझ नहीं पाते हैं तो वो कुछ फीलिंग्स को थोड़ा सा रहता है उसको माय सिस्टर कैन नॉट ऑलवेज टेल मी विद वर्ड्स व्हाट शी फील्स समटाइम्स शी कैन नॉट इवन शो मी विद हर हैंड्स बट वेन शी इज एंग्री और हैप्पी और सैड माई सिस्टर कैन से मोर विद हर फेस एंड हर शोल्डर्स दैन एनी वन एल्स आई नो मेरी सिस्टर है जो जैसे कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि वो शब्दों के साथ ही बोले तो वो क्या फील करती है वो बताती है कई बार जो होता है वो जैसे शो नहीं कर पाती है अपने हाथों से तो जैसे कि जब वो गुस्सा होती है खुश होती है या उदास होती है तो मेरी सिस्टर ज़्यादा कुछ जैसे फेस के जो एक्सप्रेशन होते हैं उससे या शोल्डर से जो कुछ कहना चाहती है वो बोल कहती है आई टेल माई फ्रेंड्स आई हैव अ सिस्टर हु नोज when I, a dog is barking near her and who says she does not like the feel of that sound she knows when our cat is purring if it is sitting on her lap on that our radio is playing if she is touching it with her hands तो जैसे वो बताती है अपने friends को कि उसकी जो sister है आ जब जैसे वो जा, जानते हैं जैसे कि dog जो है जब भौंकता है बाहर पास में ही, तो उसको इस तरह की जो आवाज़ें नहीं सुनाई सकती हैं ठीक है लाइक फीलिंग ऑफ़ दैट साउंड इस तरह की आवाज़ें वो महसूस कर सकती है शी नोज़ जब वो जानती है कि उसकी जो कैट है वो मियाऊ करती है बोलती है लेकिन जब वो बैठती है उसके लैप पर जब उसको पता चलता है कि वो बैठी है ठीक है तो इस तरीके से रेडियो प्लेइंग होता है तो वो उसे टच करती है अपने हाथों से लेकिन वैसे उसे आवाज़ सुनाई नहीं देती है बट माई सिस्टर विल नेवर नो इफ़ द टेलीफोन इज रिंगिंग और इफ़ समन इज़ नोकिंग एट द डोर, शी विल नेवर हेयर द गाबज कैंस क्लैंगिंग अराउंड द स्ट्रीट लेकिन जो मेरी सिस्टर है जैसे कि कभी वो नहीं सुन पाती है टेलीफोन की बेल को दरवाजे पे कोई आया है उसको और जो नहीं सुन पाती है जो गाबज कैन लेने आते हैं जो गली में उसको भी नहीं सुन पाती हैं आई हैव अ सिस्टर हुटाइम्स क्राइज एट नाइट वेन इट इज़ अ डार्क एंड देयर इज़ नो लाइट इन द हॉल वैन आई ट्राई प्लागिंग माई ईयर्स इन द डार्क आई कैन नॉट हेयर द क्लॉक टिकिंग ऑन द शेल्फ और द टेलीविजन प्लेइंग इन द लिविंग रूम आई डू नॉट हेयर एनी कार्स मूविंग आउट द स्ट्रीट देर इज नथिंग देन आई वॉन्ट इट इज द सेम तो क्या होता है कि uh, जब मेरी बहन कई कई बार क्या होता है कि जैसे uh, वो चिल्लाती रात में तो जब अंधेरा हो जाता है लाइट नहीं रहती है हॉल में और जब जैसे कि मैं कोशिश करती हूँ मेरे कानों से जैसे कि अंधेरा हो जाता है प्लगिंग माय हेयर्स को सुनने की आई कैन नॉट हेयर द क्लॉकिंग टिकिंग ऑन द शेल्फ तो वो वहाँ पर रखी होती है जो क्लॉक है आवाज़ आती है क्लिकिंग वो टिकिंग की वो नहीं सुन पाती या फिर और टेलीविजन प्लेइंग जो लिविंग रूम में होता है वो भी नहीं जब मैं अपने कानों में प्लगिंग लगा लेती हूँ तब मैं इस नहीं सुन पाती हूँ तो मैं इस तरीके से महसूस करने की कोशिश करती हूँ अब मैं आई डू नॉट हेयर एनी कार्स मूविंग जो गली में आवाज़ें आती है गाड़ी वगैरह की वो भी नहीं कुछ भी नहीं तो मैं तब सोचती हूँ हैरान होती हूँ कि वाकई में उस समय जो है मुझे सेम सेम लगता है कि मेरी बहन भी इस तरह की आवाज़ों को नहीं सुन पाती है I have a sister who will never hear the branches scrapping against the window of our room. She will not hear the sweet tone of the wind. Kinds. I have hung up there, but when the storm comes, my sister does not wake to the sudden rolling thunder or to the quick clap clap of the shutter in the wind. My little sister sleeps. I am the one who is afraid. मेरी सिस्टर बिल्कुल भी जैसे कि पेड़ ज़ोर ज़ोर से पेड़ इधर उधर हिलते हैं ब्रांचेस टकराती हैं दरवाज़े जो खिड़कियां हैं वो रूम की खड़खड़ाती है जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो लेकिन इस तरह की जो आवाज़ है वो बिल्कुल भी नहीं सुन पाती आराम से सोती है मेरी सिस्टर और जब बहुत ज़्यादा तूफान आता है तो बिजली कड़कती है या जो उधर खिड़कियाँ हैं वो एक दूसरे से आपस में टकराती हैं तो लेकिन मेरी सिस्टर को कुछ सुनाई नहीं देता है वो आराम से सोती है एक अकेली मैं होती हूँ जो बैठ कर डर रही होती हूँ मैं अकेली होती हूँ जो उस समय डर रही होती हूँ वैन माई फ्रेंड्स आस्क आई टेल दैम आई हैव अ सिस्टर हु वॉच टेलीविजन विदाउट टर्निंग ऑन द साउंड आई हैव अ सिस्टर हु रॉक्स हर डॉल्स Without singing any tune. I have a sister who can talk with her fingers, or in a hoarse, gentle voice. But sometimes she yells so loud. Our mother says the neighbors will complain. मेरी फ्रेंड्स uh, है जो पूछती हैं कई बार वो मैं उन्हें बताती हूँ कि जो मेरी सिस्टर है वो टेलीविजन बिना आवाज के देखती है और जो रॉकिंग चेयर है जैसे तो उसकी एक रॉकिंग डॉल है जो बिना ट्वीन के ही है और मेरी सिस्टर है वो जो बात करती है फिंगर्स के साथ और जेंटल वॉइस में उसकी आवाज़ बिल्कुल भी जो बोलते हैं ना करकश होती है बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है बट कई कई बार वो लाउड हो जाती है उसकी मम्मी बताती है जब उसके जो पड़ोसी हैं वो कंप्लेंट करते हैं आई स्टैम्प माई फुट टू गेट माई सिस्टर्स अटेंशन और वेव एट हर अक्रॉस द रूम आई कम आप डिसाइड हर एंड पुट माई हैंड्स ऑन हर आर्म she can feel the stamping, she can feel the touching, she can glimpse my moving hands from the corner of her eye, but if I walk up behind her and call out her name, she cannot hear me. jab जब मेरी सिस्टर जैसे कि जब मैं कई बार चलती हूँ तो मैं अपना ध्यान जो है अपनी सिस्टर्स के अटेंशन लेने के लिए करती हूँ उसके अटेंशन पाने के लिए और पूरे रूम में जो इस तरह की वेव्स अक्रॉस करती हूँ रूम में जब मैं साइड में जाती हूँ तो वो अपने हाथों को उठाकर ऐसे उस, उसके आर्म्स पर रखते हैं वो फील करती है उस स्टैम्पिंग को एंड वो उस टच को स्पर्श को टच करती है फील करती है एंड उसके बाद जो भी वो हाथ हिलाती है मूव करती है और हर एक कॉर्नर में देखती है अपनी आंखों से और लेकिन जब वो पीछे से जाती है वॉक करती है तो वो वो उसका नाम पुकारती है लेकिन वो उस नाम को नहीं सुन पाती हर चीज़ को हर देखती है उस जो स्टेप होते हैं उसको टच करती है उसका स्पर्श को वो छूती है लेकिन जब उसके पीछे खड़े होकर उसका नाम पुकारा जाता है तो वो नहीं सुन पाती है आई हैव अ सिस्टर माई सिस्टर इज डीफ मेरी एक बहन है मेरी बहन बहरी है ठीक है तो वो उसकी बहन है और उसकी बहन बहरी है जो काफ़ी सारी चीज़ों को सुन नहीं पाती है